सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। सो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा ऑल न्यू अपकमिंग MT15 एंड R5 वर्जन 4 दोनों बाइक्स के बारे में। एक ही वीडियो में बता दूंगा, अलग अलग वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा इस दोनों बाइक्स के बारे में कि दोनों बाइक्स का जो नया मॉडल आ रहा है उसमें क्या चेंज देखने को मिलेंगे। काफ़ी छोटी वीडियो होगी, काफ़ी जल्दी आपको समझा दूंगा दोनों के अपडेट्स। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। सो इस आपको बता दूँ सबसे पहले R5 वर्जन 4 के बारे में। R5 वर्जन 4 में अपडेट होने वाले फ्रंट की हेडलाइट में जो आपको प्रोजेक्टर देखने मिलेगा, लुक्स जो R7 जैसा आपको मिल जाएगा। उसके अलावा जो सेकंड अपडेट होगा वो होगा गाइस, इस बाइक में USD सस्पेंशन आपको मिलेंगे जैसे कि इंटरनेशनल मॉडल मिलते हैं, सेम वैसे ही जो है आपको R5 वर्जन 4 में देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको रियर जो फुट पैड्स जो होते हैं रियर, वो जो है गाइस अब आपको एल्यूमिनियम में देखने को मिलेंगे R5 वर्जन 4 में लाइक इंटरनेशनल मॉडल। उसके अलावा थोड़ा सा साइड फेयरिंग में जो है चेंज होगा एंड नए कलर्स वगैरह होंगे और न्यू जो है मीटर कंसोल होगा जिसमें कि मोबाइल कनेक्टिविटी फीचर आपको मिल जाएगा। ये हुई R5 वर्जन 4 की बात जो कि हमने लगभग 40 सेकंड में आपको बता दिया। अभी बात करते हैं ऑल न्यू यामा MT15 के बारे में जिसका कि नया वेरियंट आ रहा है। तो इसके बारे में बताओ तो भाई इसमें भी जो है एक बड़ा चेंज होने वाला है, वो होने वाला है इसके सस्पेंशन में, फ्रंट सस्पेंशन में। फ्रंट में जो है अब आपको MT15 में भी USD सस्पेंशन देखने को मिलेंगे। तो अभी जो है आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी जो कहते हैं कि भाई इंटरनेशनल मॉडल वाले MT15 क्यों नहीं आती इंडियन मार्केट में। तो अब जो है आपको इंटरनेशनल मॉडल वाली MT15 देखने को मिलेगी इंडियन मार्केट में भी, वही गोल्डन USD फोक्स अब आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आपको बता दूँ नेक्स्ट चेंज के बारे में, यहाँ पे जो है आपको वही मीटर कंसोल मिलेगा जो आपको R5 वर्जन 4 में मिलेगा विद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ फीचर वगैरह। उसके अलावा जो है यहाँ पे आपको ड्यूअल चैनल एबीएस मिलेगा। जो रियर स्विंग आर्म है वो आपको एल्यूमिनियम में देखने को मिलेगा। टॉप मॉडल जो आता है, मतलब जो इंटरनेशनल मॉडल आता है, सेम वैसे ही अब आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगा। बस ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा प्राइस हो गई थी तो इन्होंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी प्राइस और डाल के कुछ कमी ही ना छोड़ी जाए बाइक में। तो उस वजह से जो है दोनों बाइक्स को फुलफिल कर दिया गया है। दोनों बाइक्स में आपको सब कुछ मिलेगा जो आपको अभी तक नहीं मिलता था। अब जितने भी इंटरनेशनल मॉडल होंगे यामा के वो सारे इंडियन मार्केट में लॉन्च होंगे, मतलब कोई कॉस्ट कटिंग के ऊपर पार्ट वगैरह नहीं हटाया जाएगा। तो ये सब जो है यामा के बाइक्स में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात बोलना चाहूँगा, यामा को जो है अपना सर्विस सुधारना चाहिए, बिकॉज यामा की सर्विस बड़ी बेकार है इंडियन मार्केट में। FGX मैंने बाय की बट सर्विस मेरे को अच्छी नहीं मिल रही। एसेसरीज मैंने खरीदी, फिटिंग मैंने बाहर से कराई क्योंकि उनके पास तो टाइम नहीं होता, वो बिजी होते बहुत ज़्यादा, तो ये बहाना मार देते हैं और बोलते हैं भाई कल आना। तो ये सब सीन है, सर्विस बड़ी बेकार है यामा की, मैं फिर से बोल रहा हूँ। क्योंकि मेरे को जो है जहाँ से मैंने कराई गुड़गांव से सिद्धार्थ ऑटो से, मेरे को वहाँ से कैसा भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। सर्विस का जो है सबसे बेकार रिस्पॉन्स है वहाँ पे। तो अभी बात कर लेते हैं गाइस इनके लॉन्च एंड प्राइसिंग के बारे में, दोनों बाइक्स के बारे में। आने वाले 3 महीने के अंदर दोनों बाइक्स को एक साथ लॉन्च किया जाएगा। अभी जो है कुछ दिन में MT15 को भी देखा जाएगा टेस्टिंग पे, हालांकि चल रही उसकी भी टेस्टिंग, बट किसी ने जो है अभी तक सपोर्ट नहीं की, उस वजह से जो है दिखी नहीं हमें। तो वो भी जो है दोनों बाइक्स जो है दोनों को साथ लॉन्च किया जाएगा आने वाले सितंबर से अक्टूबर के बीच में, दोनों बाइक्स को लॉन्च कर दिया जाएगा। मतलब जो फेस्टिवल सीजन उससे पहले जो है आपको देखने को मिल जाएगी। और प्राइसिंग जो है लगभग 10 से 12 हज़ार दोनों बाइक्स की बढ़ेगी। तो ऑलमोस्ट जो है R5 वर्जन 4 2 लाख की जाएगी ऑन रोड एंड MT15 जो है 180-185 के करीब जाएगी। तो ये कुछ प्राइस रहने वाली इनकी जब इनका नया मॉडल आ जाएगा तब। तो अभी आप बताना कि आपको R5 वर्जन 4 खरीदनी है या फिर MT15, कौन सी बाइक के लिए आप वेट कर रहे हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी इंस्टा आईडी दे दी है नीचे, कमेंट करो, मतलब DM करो, मैसेज करो, आपका भाई जो आपको रिप्लाई जरूर देगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।